Good morning, students. Today I will teach you the geography, chapter number 6. This is North America and this is Lumberjackson, Canada. The haulers. Haulers are involved in moving the logs down the stream. Haulers किस लिए involved लगते हैं? ये जो logs था बड़ा बड़ा, ये जो देखो logs है, ये नदी के stream में भसाने के लिए, fall down करने के लिए ये लोग engaged रहे हैं. They were कि बूट्स मूव ऑन द फ्लोटिंग लॉग्स टू क्लियर जैमिंग. वो लोग क्या करते हैं, स्किप करता है बूट्स को मूव करने के लिए, फ्लोटिंग और लॉग्स जो होता है उसको फ्लो कर देते हैं टू क्लियर जैमिंग. जैसे तैसे ये सब लॉग एक साथ फ्लोटिंग करने के लिए जैम हो जाता है, ये क्लियर करने के लिए वो लोग मूव कर देता है बूट्स को. दे यूज लॉन्ग स्किप पोल्स टू सेपरेट द लॉग्स. ये लोग लॉन्ग लॉन्ग बड़ा बड़ा स्किप यूज करता है, स्किप पोल्स यूज करता है, किस लिए? लॉग्स को जैमिंग से छुड़ाने के लिए और सेपरेट करने के लिए. एज दे फ्लोट डाउन ऑन द सॉ मिल्स, वो लोग फ्लोट डाउन करता है सॉ मिल्स के द्वारा, सॉ मिल्स के लिए. दिस वर्क स्टार्ट्स व्हेन द आइस थॉज इन स्प्रिंग. ये काम कब होता है? जब स्प्रिंग में जब बर्फ गल जाता है तब ये काम होता है, क्योंकि अगर नदी का पानी अगर बर्फ हो रहा है तो ये फ्लो नहीं करता है, इसीलिए ये टाइम पे ये लोग ये करता है. एट दिस टाइम द लॉग्स बिकम लूज एंड कैन रोल. और ये टाइम में लॉग्स बहुत लूज भी रहता है और रोल डाउन भी हो सकता है, फ्लोट भी कर सकता है ओवर द लंबरजैक्स लीडिंग टू देयर डेथ ऑन मेनी ओकेशंस. ये सब करने के लिए लंबरजैक्स का बहुत सारा समय बहुत सारे एक्सीडेंट में डेथ भी हो जाता है. देयरफॉर द लंबरजैक्स हैव टू बी क्विक, क्लेवर, डेयरिंग एंड विजिलेंट इन ऑर्डर टू अवॉइड सच डेंजर्स. तो इसीलिए लंबरजैक्स लोगों का बहुत क्विक भी होता है, क्लेवर भी रहना पड़ता है, विजिलेंट भी रहना पड़ता है, ये सब डेंजर्स पीरियड अवॉइड करने के लिए. प्रेजेंटली देयर वर्क हैड बीन मेड इजियर बाय डैम्स एंड रेगुलेट द फ्लो ऑन द वाटर एंड डायरेक्ट इट टूवर्ड्स टू सॉ मिल्स एंड पेपर मिल्स. मत अब ये काम बहुत इजी हो गया है, क्योंकि ये जो डैम्स है ये वो रेगुलेट कर देता है और फ्लो कर देता है, डैम्स का वाटर भी ये रेगुलेट कर देता है, फ्लो कर देता है सॉ मिल्स और पेपर मिल्स के डायरेक्शन पे. मॉडर्न लंबरजैक्स, द लाइफ ऑफ कनाडियन लंबरजैक्स इज वन वे इज मॉडर्नाइजेशन. ये जो मॉडर्न लंबरजैक्स, कनाडियन लंबरजैक्स का जो मॉडर्न लाइफ है वो बहुत ही अच्छा हो गया है. फॉलोइंग द इंट्रोडक्शन ऑफ ए वाइड रेंज ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक टूल्स एंड न्यू टेक्निक्स ऑफ लंबरिंग. अब बहुत सारा मॉडर्न टेक्निक भी हो गया है, साइंटिफिक टूल्स भी हो गया है, इसीलिए द टास्क ऑफ लंबरजैक्स हैज बिकम मच इजियर. इसीलिए लंबरजैक्स का काम पहले से बहुत इजियर हो गया है देन दैट ऑफ देयर प्रोड्यूसर्स. मेनी लंबरजैक्स कैन ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर वर्किंग फॉर सेवरल ईयर्स इन लॉन्ग फार्म्स. बहुत सारा लंबरजैक बहुत सारा मनी कमाता है कुछ सालों में लॉग फार्म्स के लिए. दे आर कॉल्ड लंबर बैरॉन्स, मतलब जिसके पास बहुत पैसा होता है इसके कारण इसको कहते हैं लंबर बैरॉन्स. सम ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन कनाडा टूडे आर द लंबर बैरॉन्स. कनाडा के कुछ रिचेस्ट पीपल के अंदर ये लंबर बैरॉन्स का नेम है. दे एंजॉय ए वेरी हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. इतने पैसा होता है उसके पास वो लोग बहुत हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लाइफ लीड करता है. कनाडाज प्रॉस्पेरिटी लार्जली डिपेंड ऑन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ पेपर, पल्प एंड न्यूज प्रिंट. कनाडा का जो प्रॉस्पेरिटी है वो हेविली और इम्पोर्टेंट डिपेंड करता है ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के ऊपर. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन उसका मेन केक क्या है, पेपर, पल्प और न्यूज प्रिंट है. दिस प्रोडक्ट्स आर एक्सपोर्टेड टू यूएसए, यूके एंड मेनी अदर कंट्रीज. कनाडा हैज ए हाईली डेवलप्ड लंबरिंग इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ मेनी रीजन. दिस इंक्लूड द फॉलोइंग. कनाडा में ये जो लंबरिंग है ये बहुत ही डेवलप किया हुआ है और इसका मेन इंडस्ट्री है ये. किस किस कारण में ये इतना डेवलप किया हुआ है इसका कुछ कुछ कॉज भी होता है, जैसे अबंडेंस ऑफ हाइड्रोलिक पावर फ्रॉम द स्ट्रीम्स. ये अपना जो नदी का स्ट्रीम्स है इसमें हाइड्रोलिक पावर क्रिएट होता है. एनवायरमेंटल रिसोर्स ऑफ कॉनिफेरस सॉफ्टवुड ट्रीज. यहाँ पे जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट है उसके जो सॉफ्टवुड ट्रीज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लंबरिंग के लिए. मॉडर्न मेथोडिक मिल्स, मैकेनिक मिल्स, मॉडर्न मिल्स भी है. एक्सीलेंट रेलवे एंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे है. रिलेटिविटी स्मॉल पॉपुलेशन, यहाँ का पॉपुलेशन भी
बहुत छोटा है, ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है. मेनी एरियाज ऑफ कनाडा सच एज नोवा स्कोटिया डिवाइडेड टू ट्रीज नाउ द कंटिन्यूस लैम्बरिंग एक्टिविटीज. अभी भी कुछ कुछ जगह में ये जो नोवा स्कोटिया है इसमें अभी भी ये सब एक्टिविटीज जारी है. बट द इंडस्ट्री ऑफ स्टील ड्राइविंग विथ न्यू टेक्निक्स ऑफ ऑपरेशन, पर अब ये जो टेक्निक है इसका न्यू मेथड निकल गया है. मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स हैव ब्रॉट इन द चेंज इन द रिस्की एंड डिफिकल्ट ऑपरेशन ऑफ लंबरिंग. ये जो मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स आ गया है, पहले जो लंबरिंग बहुत रिस्की और डेंजरस काम था, इससे बहुत ज्यादा इजियर हो गया है. ये देखो कुछ पिक्चर है मॉडर्नाइजेशन का. सो आफ्टर दिस